हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीक़े से 5.1 होम थिएटर का A to Z वायरिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक 5.1 होम थिएटर का ये बोर्ड है जो कि मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। और ये तो ऑनलाइन बहुत महंगा पड़ेगा दोस्तों, और ऑफलाइन मिल जाता है तो आपको लगभग 400 के आसपास में मिल जाएगा, और ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो वही 650 के आसपास में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 5 IC लगे हुए हैं। तो यहाँ पे IC का जो नंबर है 2030 है। हालाँकि सभी होम थिएटर किट में 2030 ही यूज किया जाता है, शायद ही कोई कोई में 2050 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, पहले आपको मैं डिटेल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका कनेक्शन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये साथ में मिल जाएगा कनेक्टर, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा है कि आपको प्रिंट से यहाँ पे सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे लगा के आप कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, ये आपका वायरिंग का डायग्राम है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये टोटल पिन, ये 3 जो आपको IC दिख रही है, ये आपको साउंड के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 IC दिख रहा है आपको, ये दोनों सब ऊपर के लिए हो जाएगा, जो कि ये ब्रिज करके यहाँ पे दिया जाता है। तो आप इसमें 8 से 10 इंची तक सब ऊपर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 IC दिया हुआ है दोस्तों, तो 5.1 में होता क्या है कि आपको लेफ्ट राइट के साथ साथ एक मिडिल भी रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट में जो दो स्पीकर होगा यहाँ पर लेफ्ट राइट में, और यहाँ पे सिंगल चैनल है जो कि मिडिल वाला होगा, ठीक है। तो मिडिल वाला को क्या होता है, लेफ्ट राइट को एक साथ यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो आप देख पा रहे हैं, ये इस रेजिस्टेंस को ये लेफ्ट राइट यहाँ से इनपुट करेगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर ये यहाँ से इसको इनपुट देगा, तो लेफ्ट राइट वाला मिडिल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो आपको ये जैक दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये स्पीकर का जैक है जो कि ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ पर ये मिडिल हो जाएगा, और ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये बीच वाला पिन, ये यहाँ पे पूरा ग्राउंड है। तो ये वाला पिन आपका ग्राउंड हो जाएगा, ये वाला ये ग्राउंड हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, और ये आपको मिडिल हो जाएगा स्पीकर का। और यहाँ पे जो 3 पिन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको बीच वाला ग्राउंड हो जाएगा और दोनों लेफ्ट राइट इनपुट हो जाएगा, जो कि आप कार्ड से या किसी मॉड्यूल से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो आप दिख रहा है, ये 3, ये आपका बेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम लगाया जाता है, तो इसके लिए ये 3 पिन यहाँ पे आपको यूज किया गया है। और यहाँ पे ये दोनों सब ऊपर के लिए पिन है। और यहाँ जो 2 पिन आपको दिख रहा है, ये आपको सिर्फ 12 वोल्ट का यहाँ पे है, इसमें आप DC फैन के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आप फैन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है, ये तो ट्रांसफार्मर का है ही, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होगा दोस्तों, उसमें 12.0.12 5 एम्पियर सबसे अच्छा होगा, आवाज़ अगर आपको अच्छा देगा 5 एम्पियर का, ठीक है दोस्तों। अगर 3 एम्पियर भी दे सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको स्पीकर ज़्यादा, सेटेलाइट स्पीकर ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 5 स्पीकर बाहर का हो जाएगा और 1 सबवूफर हो जाएगा, जो कि वो भी 8 से 10 इंच का होगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका फटाफट कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं वॉल्यूम का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 3 पिन वाले हम एक कनेक्टर ले लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो बीच वाला है वो इस ब्राउन कलर का है, और जो मेरा ग्राउंड है यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इसमें ग्राउंड देखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर उल्टा है इसमें। तो यहाँ पे जैसा कि अगर इसको कलर को देखें, तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड ये पता चलता है, लेकिन इसका ग्राउंड ये है और ये बीच वाला है, और ये हमारा इसमें जो बेस यहाँ से फिल्टर करके देगा वो इसका इनपुट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि हम बेस को कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, जिसका वैल्यू हम 100K रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 47K यूज किया है, आप इसमें 100K का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कनेक्शन के लिए दोस्तों, हमको वॉल्यूम को कुछ इस तरीका से रखना होगा, और इसका जो बीच वाला वायर है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको डायरेक्ट हम बीच वाले में सोल्डरिंग कर देंगे।
जो यहाँ पे आपको रेड वाला दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसका कनेक्शन हम इस वाले में कर देंगे। उस ब्लैक वाले को इस वाले पिन में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का कनेक्शन कर दिया है जो कि बेस कंट्रोल करेगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा ग्राउंड का है, जैसे कि देख सकते हैं इस तरीका से इसमें कनेक्शन किया गया है इस वायर को। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो किसी बात को समझने में। तो जैसा कि देख सकते हैं सॉकेट में जिस तरीक़े से लगा है उस प्रकार से यहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम का हो गया जो कि बेस कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का, अब हम इसका वॉल्यूम का कनेक्शन करेंगे जो कि यहाँ पर फिर से तीन वायर लगाएंगे जो कि यहाँ पर हमारा ऑडियो इनपुट होगा। और ऑडियो इनपुट के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि हम जो वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे वो 6 पिन वाला यूज करेंगे, जैसे कि आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि इस वायर को हमें यहाँ पे जोड़ना होगा इसमें लेफ्ट राइट और ग्राउंड को। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये दाहिने वाले जो पिन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच वाला जो है, यहाँ पे ये बीच वाला ग्राउंड है, यहाँ पे ये जो ब्राउन वाला है दोस्तों ये ग्राउंड है। तो इस वॉल्यूम के हम यहाँ पे दाहिने वाले पिन में हम सोल्डरिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मैंने इस सॉकेट के बीच वाले को इसके ग्राउंड वाले में जोड़ दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करना होगा दोस्तों, ये जो रेड और ब्लैक बचा हुआ है उसको हम, जैसा कि बीच में आपको दिख रहा है दो पिन, उसमें हम सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर लिया है यहाँ पे, ये ग्राउंड हो गया और लेफ्ट राइट वाला बीच में हम दोनों वॉल्यूम के पिन वाले में जोड़ दिए, और ये वाला पिन हमारा ऑडियो इनपुट का है। ठीक है, और यहाँ पर जो खाली पिन बचा है उसमें हम आपको ऑक्स का इसमें कनेक्शन करेंगे। तो आप इसमें जो है मॉड्यूल से भी दे सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में किसी में मॉड्यूल का कनेक्शन करके बताऊंगा, अभी हम सिंपली इसमें ऑक्स केबल इसमें कनेक्शन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्स केबल में तीन वायर होते हैं, जो कि एक लेफ्ट राइट का होता है, एक ग्राउंड का। तो ये ग्राउंड वाले को हम इस ग्राउंड में ब्राउन वाले के साथ जोड़ लेंगे, और जो येलो और रेड बच गया उसको हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे जो कि हमारा लेफ्ट राइट ऑडियो इनपुट होगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑक्स केबल का यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का हो गया है, और ये वाला ग्राउंड इधर एक साथ जोड़ दिया है ब्राउन वाले के साथ। यहाँ पे मेरा ऑडियो इनपुट का भी हो गया। अब हम इसमें स्पीकर का कनेक्शन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्पीकर के लिए यहाँ पे सॉकेट हम यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला ग्राउंड है, यहाँ पर ब्लैक वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ग्राउंड है, क्योंकि सर्किट पर नीचे से अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड हो जाता है, और ये वाला दोनों जो रेड और ब्राउन है ये हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस पर एक चैनल पे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ग्राउंड तो ग्राउंड ही रहेगा, और जो लेफ्ट राइट चैनल रहेगा उस पर हम एक वायर पर मतलब दो स्पीकर कनेक्शन करेंगे। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर सभी चैनल पर एक ही स्पीकर यूज करूंगा, जैसे कि ये लेफ्ट राइट का हो जाएगा और ये मिडिल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे, सबका स्पीकर का, ये तीनों स्पीकर का ग्राउंड हम एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे तीनों स्पीकर का ग्राउंड हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे तीनों स्पीकर का ग्राउंड एक साथ कर दिया है, यहाँ पे एक एक पिन को एक साथ ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाला, इस पिन को हम ग्राउंड के एक पिन पे हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लेफ्ट राइट को दे देंगे, तो यहाँ पे हम एक स्पीकर में यहाँ पे क्या कर देंगे, और ये वाला हमारा, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला
स्प्राइट का हो गया यहाँ पे, और जो ये ब्लैक वाला बचा है दोस्तों ये हमारा सेंटर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और इस स्पीकर के साथ आप एक 3 इंच का स्पीकर भी लगा सकते हैं, तो 5.1 हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको 3 ही स्पीकर दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये स्पीकर का कनेक्शन कुछ इस तरीका से करना है, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमें करना क्या है कि सब स्पीकर का एक एक पिन को एक साथ जोड़ लेना है। जैसे कि देख सकते हैं ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के साथ हम जोड़ देंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये रेड और ब्राउन वाला, ये हमारा लेफ्ट राइट हो जाता है, तो यहाँ पे इसमें देंगे और इसमें देंगे, और जो ब्लैक वाला बच जाता है वो हमारा सेंटर हो गया, तो इसमें देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्पीकर का कनेक्शन हो गया, चलिए इसको हम निकाल कर तब तक साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ भी निकाल कर रख देता हूँ ताकि बाद में आसानी हो इस समझने में। तो यहाँ पे हमारा सब वूफर का हो जाता है, वूफर को हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों कि सब वूफर को हम डायरेक्ट यहाँ से जैक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सोल्डिंग हो जाएगा, तो इसको हम माइनस प्लस को देखते हुए लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर उल्टा लग जाएगा तो बेस अच्छा नहीं बना पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा सब वूफर का है। तो इस आईसी से जो वायर निकलेगा 4 नंबर से वो हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा सब वूफर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया। अब लास्ट जो बचा है दोस्तों ये पावर सप्लाई का, जिसमें आप 12.0.12 5 एम्पीयर भी दे सकते हैं अच्छा साउंड के लिए। तो चलिए हम इसको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका, यहाँ पे मेरा एक 12.0.12 ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। जो बीच वाला होगा दोस्तों वो ट्रांसफार्मर के, मैं कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एक वायर को लेना है और इसके ठीक आमने सामने वाले में जोड़ देना है, जैसे कि देख सकते हैं इस वाले को इस वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ। तो चलिए हम इसके साथ जोड़ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं ये किनारे वाले को किनारे वाले के साथ, बीच वाले को बीच वाले के साथ, और यहाँ पे ये साइड वाले को फिर साइड में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 12.0.12 हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब साइड में रख लेते हैं ट्रांसफार्मर को, और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी कनेक्टर को मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब हम इसमें कनेक्टर जो पहले निकाला था उसको लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रहा मेरा स्पीकर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको किट को हम थोड़ा साइड में रख लेंगे और स्पीकर को सामने रख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर रहा मेरा, ये रहा मेरा स्पीकर, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा ये बीच वाला सेंटर है, जैसे कि देख सकते हैं बीच वाला हमारा सेंटर है, और ये दोनों लेफ्ट राइट है। यहाँ पे मेरा किट, और ये रहा मेरा सब वूफर जो कि हम साइड में इसको रखते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसमें सप्लाई दे दिया है, जैसा कि देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ चुका है। तो चलिए अब हम इसमें सॉन्ग चालू करते हैं और इसका साउंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सॉन्ग चालू है, मैंने इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं तीनों में बज रहा है।
दोस्तों इसमें हमिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे ये बहुत अच्छा बेस भी काम कर रहा है और यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी बिल्कुल मस्त है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़े से मैंने आपको वायरिंग करके बताया है और बहुत अच्छा ही साउंड इसका क्वालिटी है। इस तरीक़े से आप अपने होम थिएटर का किट को वायरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।